तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको चार्ट की सेटिंग बताई थी और ये बताया था किस तरीके से मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हो आप। अब इस वीडियो में, इस पार्ट में हम देखेंगे किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होगी। और साथ ही साथ, अगर पुराना वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। काफ़ी लोगों का ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब, या फिर आप चाहते हैं भी आपके पास खुद के, आपके भाई के, आपके माता जी के, पिताजी के अकाउंट भी हैं जिनको आप मैनेज करते हैं, और आप चाहते हैं भी उनमें भी ट्रेड मेरा ऑटोमेटिकली चला जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप मास्टर हो ना, तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है मास्टर को। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यूज़र इन्फो में क्रिएट यूज़र, क्रिएट यूज़र पे मान लो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम प्रवीण है, तो अगर आपको कोई और नाम से अकाउंट खोलना है, जैसे मैंने एक नाम खोला राजा, ठीक है, अब मैंने ईमेल बनाया उसका, कुछ भी मैं ईमेल बना सकता हूँ अपने हिसाब से, raja@algobridge.in या कुछ भी, abc.in जो, या abc.com, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अकाउंट में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर में भी आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सही मोबाइल नंबर डालना। अगर आप नहीं चाहते कि भाई मेरे जो क्लाइंट हैं या मेरे जो फ्रेंड हैं या मेरे जो ब्रदर हैं उनकी डिटेल हम तक आए, तो आप यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी आईडी या पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने इस तरीके से आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दिया। अब ये मैंने एक अकाउंट खोल दिया, ये raja@algobridge.in। अब मुझे क्या करना होगा, मैं इस अकाउंट में लॉगिन करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप अलग अलग अकाउंट खोल रहे हो ना, तो आपको इस तरीके से गूगल पे अलग अलग अकाउंट बना के रखने हैं पहले से ही लॉगिन करके, क्योंकि अगर आप एक ही ब्राउज़र पे करोगे ना तो होगा नहीं वो, क्योंकि एक ब्राउज़र पे एक ही लॉगिन होता है, ठीक है। ये आ गया, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, इस पे किसी का ऑलरेडी खुला हुआ था। अब यहाँ पे हमें डालना है raja@algobridge.in और पासवर्ड में मैंने जो पासवर्ड बनाया था वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर दिया, अब ये अकाउंट लॉगिन हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, देखो, अगर आप यूज़र हो, एक तो है कि मास्टर ने अकाउंट क्रिएट कर दिया, अब आप यूज़र हो, आपको चाहिए कि यार मैं, उसने अकाउंट क्रिएट किया तो उसको आईडी पासवर्ड मालूम है, आप जाओ यहाँ पर सेटिंग में और जाके अपना पासवर्ड चेंज कर लो। जैसे अभी मैंने अपना जो पासवर्ड 123456 बनाया था, अब मैं इसको चेंज कर दूंगा, 123456 7 कर दिया मैंने, मान लो यहाँ पे 123456 7 कर दिया। उसके बाद चेंज पे क्लिक करेंगे, जैसे चेंज पे क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पे एक टोस्ट आएगा और पासवर्ड हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का टोस्ट, अब चेंज हो गया, अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ। अब मेरे मास्टर को, जिसने मेरा अकाउंट बनाया था, वो भी लॉगिन नहीं कर सकता। कई बार होता है ना कि लोग अकाउंट को मिसयूज़ करते हैं, तो वो आप नहीं होने दे सकते। यहाँ पे आपने अगर पासवर्ड क्रिएट कर लिया अपना, तो बस अब आपका आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया, अब आप कॉपी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कॉपी में भी बहुत सारी फिल्ट्रेशन हमने यहाँ पे दी हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैं एक अकाउंट लिंक कर रहा हूँ, जैसे मुझे अकाउंट लिंक करना है यहाँ पे, ज़ीरोधा का कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे टोकन मिल गया मेरे को, अब मैं वैलिडेट टोकन पे क्लिक करके देखूँगा, टोकन वैलिड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टोकन ले लिया, तो ये जब मेरा यूज़र, अब ये मेरा यूज़र का अकाउंट है। यहाँ पे मैं सेटिंग भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे ना, यहाँ पे एक बटन दिया है कॉपी ट्रेडिंग ऑल, ऑल कॉपी ऑल ट्रेड्स, ठीक है। अगर आपको सारी ट्रेड्स कॉपी करनी है तो आप कॉपी ऑल ट्रेड्स कर सकते हो। अगर आपको सारी ट्रेड नहीं करनी कॉपी, सिर्फ आपको ऑफ करना है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपी सिलेक्ट सिंबल करना है और नीचे सिंबल सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, कि भाई मेरा बस इसी सिंबल में ट्रेड होना चाहिए, तो आपको उसी सिंबल में ट्रेड होगा, ठीक है, और किसी में नहीं होगा। फिलहाल के लिए मैं कॉपी ऑल ट्रेड्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अब ये तो था यूज़र का अकाउंट, ठीक है। जो भी आप, जितने भी आप यूज़र क्रिएट करेंगे, वो इस तरीके से लॉगिन करके ऑथेंटिकेशन करेंगे अपना, और जब वो ऑथेंटिकेशन करेंगे ना, तो आपको आपके मास्टर अकाउंट में वो दिखेगा। जैसे देखो, पहले तो एक सिग्नल आ गया, हम लोग इस सिग्नल को देखते हैं, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक में गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो Nifty 23 JAN का सिग्नल आ गया, 50 क्वांटिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही ट्रेड आया तो यहाँ पे ट्रेड चला गया, और ये यहाँ से आपका MT4 से ट्रेड आया था, ये जो ट्रेड था बाय का। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि जो ट्रेड आया है, इस तरीके से कोई ट्रेड आए तो मेरे क्लाइंट के अकाउंट में भी चला जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप दो चीज़ें कर सकते हो। देखो, अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग भी करना चाहते हो अपने क्लाइंट के अकाउंट में, तो मैनुअली भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं, ये ऑयल इक्विटी है, ठीक है, इसका 225 रुपये का प्राइस है, इस पर ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है,
मान लो मैंने 3 क्वांटिटी ट्रेड करनी है, तो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा ना, तो अब जो ऑर्डर प्लेस होगा ना वो मेरे अकाउंट में भी होगा और वो मेरे यूज़र के अकाउंट में भी होगा। देखो ये यूज़र का अकाउंट है, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। ये गए ऑर्डर बुक पे, ऑर्डर बुक पे आप देखो ये ऑयल का 3 क्वांटिटी का ट्रेड हो गया। ठीक है, ऐसे ही जितने मर्जी आप अकाउंट खोल सकते हो, जितने मर्जी अकाउंट लगा सकते हो, जिस भी अकाउंट को आप ऐड करोगे उसका ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे उसका पेमेंट का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अब उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि अगर आप चाहते हो इंडिकेटर के थ्रू जो ट्रेड आए वो भी सारे क्लाइंट्स के अकाउंट में चली जानी चाहिए, तो उसके लिए अभी आपने यूज़र की कॉपी किया था, आपको फिर मास्टर की कॉपी करना है। जब आप मास्टर की कॉपी करेंगे तो जो ट्रेड आएगा ना वो आपके अकाउंट में भी जाएगा और आपके यूज़र्स के अकाउंट में भी जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ, मास्टर का अकाउंट का डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने मास्टर का डाल दिया और ओके कर दिया। अब अगर मान लो सेल का सिग्नल आ जाता है ना एक दो कैंडल बाद, तो ये ट्रेड करेगा, वो भी देख लेते हैं। मीनवाइल मैं आपको और अदर फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि मास्टर का जो सेटिंग होता है उसमें ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रिज अगर आपको यूज़ करना है तो कौन से सिंबल में ट्रेड करना है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया तो उस सिंबल में ट्रेड आएगा, तो अपने आप हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के सिग्नल्स कैसे भेजते हैं, तो यहाँ पे से ऑप्शन के सिंबल क्रिएट करने होते हैं। अगर आप खुद का भी पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। एक फीचर है यहाँ पे कॉपी ट्रेड बुक का। ठीक है, कॉपी ट्रेड बुक मतलब अगर आप अपने मोबाइल में ट्रेड डालते हो तो वो भी कॉपी हो जाएगी। उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि कुछ ब्रोकर्स ना लिमिटेड आपको एपीआई एक्सेस देते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल अभी ये फीचर आपका इतना काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पर यूज़र्स का जो मैंने आपको बताया आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे माई क्लाइंट्स पे दिखाया है मैंने आपको कि कौन कौन से मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे टोकन वैलिड है जिनका। यहाँ पे देखो एक दो क्लाइंट है जिनका टोकन वैलिड है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मान लो एक यूज़र बनाना चाहते हैं और यूज़र का ट्रेड करना चाहते हैं, तो जब आप किसी को भी यूज़र बनाते हैं तो एक दिन उसका फ्री चलता है, एक दिन का फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल आप ले सकते हो। उसके बाद आप रिन्यू कर सकते हो, पर यूज़र का आपको एक अमाउंट पे करना होगा। रिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे ना, ये रिन्यू का बटन है, इस पर आपको दिख जाएगा कितना अमाउंट आपको पे करना है, तो उस हिसाब से आप पर यूज़र के पे कर सकते हैं। वो मंथली चार्जेस रहेगा और एक मास्टर का खर्चा ये आएगा कि जब आप मास्टर बनेंगे और आप इंडिकेटर से ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला ब्रिज का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना होगा। 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन है 1 महीने का, इसको लेने के बाद आप ब्रिज से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको मास्टर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और लोगों की ट्रेड भी करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी जो है जो बनाई है किसी को दिखे ना, किसी को समझ में ना आए क्या स्ट्रैटेजी लगाई है, क्योंकि लोग कॉपी कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज़ को। तो अगर आप ये चाहते हो कि भाई मेरी स्ट्रैटेजीज कोई कॉपी ना करे, कोई यूज़ ना करे, तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ये ब्रिज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर पर चार्ट चलाना है, बाकी जो भी ट्रेड आएगा आपके क्लाइंट्स का अपने आप हो जाएगा। और यूज़र की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि यूज़र की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिंग में हमने सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कौन सा ट्रेड करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक उनका एक ट्रेड आता है आपको दो करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब देखो जैसे एक और सिग्नल हमारा प्रोड्यूस हो गया, ये देखो सेल का सिग्नल प्रोड्यूस हो गया, तो अब हम जाके देखेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये आ गया ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो ये सेल का ट्रेड हमारा लग गया। अब यहाँ पर हम यूज़र के अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, ये यूज़र का अकाउंट है, यूज़र के अकाउंट में हम जाएंगे ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो यूज़र का भी सेल का ट्रेड लग गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो मास्टर है उसका जो अकाउंट है वो है अलाइस ब्लू का, और यूज़र का जो अकाउंट है वो है जीरोधा का। तो यहाँ पर ये भी फैसिलिटी आपको मिलती है कि आपका कोई भी ब्रोकर हो, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो जो हमारे प्लेटफॉर्म से लिंक हैं, उनमें आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा और सारे अकाउंटों में चला जाएगा। ज़रूरी नहीं एक ही अकाउंट में जाएगा, सारे अकाउंटों में वो ट्रेड चला जाएगा जितने भी अकाउंट आप यूज़ करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 अकाउंट यूज़ करे हैं, एक येरा, एक येरा, और मैं आपको एक और अकाउंट दिखाता हूँ। ठीक है, एक और अकाउंट है, इसका भी ऑर्डर बुक में जाएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे आपको सेल का सिग्नल दिखेगा। ठीक है, ये देखिए आप 16 तारीख को सेल का सिग्नल आया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड कर सकते हैं। टाइमिंग देखो 12:32 पे आया है, और यहाँ पे आप इसमें भी देखो दूसरे अकाउंट में, ये देखो 12:32 पे आया है हमारे अकाउंट में और 12:32 पे दूसरे अकाउंट में गया है। बिल्कुल सेम टाइम पे जाएगा, कोई 1-2 मिनट का भी डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 1-2 सेकेंड का डिफरेंस मिल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो अगर चाहते हो तो।
और इंडिकेटर में अभी मैंने यूज़ किया कौन सा, हाफ ट्रेंड। तो ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए 1 मिनट का चार्ट काफ़ी फास्ट कर दिया। नॉर्मली आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे यूज़ कर सकते हो। सारी सेटिंग्स के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा आप ये चाहते हो कि भाई मैं खुद से कोई इंडिकेटर यूज़ करना चाहता हूँ, मेरी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, और उस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं अपने सारे ट्रेडर्स को, सारे क्लाइंट्स को ट्रेड भेजना चाहता हूँ और वो भी बहुत फास्ट, तो आप एल्गो ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी बनवाना तो आप हमें 7tix@gmail.com, हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मेल दिख जाएगा, उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी लिख के भेज सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम आपको कॉल करके उसकी वन टाइम कॉस्ट बता देंगे और उसके बाद आप उसके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। आपके पास एक अकाउंट है या आपके पास 1000 अकाउंट है, आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आराम से एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो और साथ ही साथ मैनुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाया। मार्केट वॉच पे जाके आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, साथ ही साथ एल्गो का काम भी अपने आप होता रहेगा, चार्ट भी आप देख सकते हो, चार्ट में इंडिकेटर भी लगा सकते हो जैसे आप ब्रोकर के अकाउंट में लगाते हो, तो सारी चीज़ें आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। 9:30 से 5:30 के बीच हम लोग अवेलेबल होते हैं, मंडे टू सैटरडे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।